नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे सुनिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमेशा हम तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, अब ये फलानवा आदमी पगलाया है तो हम क्या करें, इस लाठी गिरे या हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। हमें जनता जैसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाई है वैसे मुझे भी अगर बैठाई है तो हम जनता के लिए फांसी पर भी चढ़ेंगे और लाठी भी खाएंगे। लेकिन बिहारवासी समझ चुके हैं कि सरकार दोहरी चाल चल रही है और दोहरी नीति पे कार्य कर रही है। लेकिन सरकार को और एजेंसी को बात क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 साल से पैसा पंचायत का रुका आया है, सरकार लूट रही है। जैसे मैं राशन कार्ड आज के डेट में बनता है तो 2,000, 3,000, 4,000 रुपया लगता है। जब वो राशन कार्ड धारी के पास राशन कार्ड नहीं है, मुखिया जी सत्यापित करके देंगे, क्यों पैसा लगेगा। अभी मेरी मौजूदगी कटनी बाग में है जहां बिहार भर के मुखिया इकट्ठा हो गए हैं। लगातार बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा क्यों? केवल नीतीश कुमार मुर्दाबाद नहीं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तीनों लोग कोई भी पार्टी मुखिया संघ की आवाज को सुनने से इनकार कर रही है। इसलिए हम मुखिया लोग आज ये तय किए हैं लोग कि हम लोग किसी भी पार्टी का झंडा बैनर नहीं उठाएंगे जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों का 73वें संविधान में जो अधिकार है वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का एक अधिकार कटौती किया जा रहा है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, जो मन में आ रहा है वो डिसीजन ले रही है। गांव में जाया जाए तो गांव के लोगों का कहना है कि मुखिया मनमानी करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि मुखिया कोई काम ही नहीं कर रहा है गांव का लोग। लेकिन अब पंचायत के और सभी बिहारवासी समझ चुके हैं कि सरकार दोहरी चाल चल रही है और दोहरी नीति पे कार्य कर रही है। कौन सी दोहरी चाल है? एजेंसी का चयन या कोई भी चीज मनरेगा हुआ, हम लोगों का सभी चीज में बंटर बांट कर दी है। कोई चीज हम लोगों को सब पारदर्शी तरीके से करे सरकार, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने पूछा है कि सरकार क्या दोहरी नीति रख रही है, तो संविधान के 73वें अनुसंधान में संशोधन में ग्राम सभा को आजादी दी गई है कि ग्राम सभा से कौन सी आजादी चाहिए, लूट भ्रष्टाचार करने की आजादी चाहिए क्या? आप नहीं, एक मिनट हम आपको समझाएंगे, हम शायद आपको भी मेरी बात समझ में आएगी। पंचायती राज में सबसे बड़ा जो चीज है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा का अधिकार है कि पंचायत में जो भी पैसे आते हैं उसको ग्राम सभा निर्णय लेगी कि कहाँ खर्च किए जाए। जबकि सरकार ने अपनी राजशाही के साथ उसने क्या किया, खुद ही बांट दिया कि इस पैसे को आप इधर ले जाइए, इस पैसे को इधर खर्च कीजिए। तो सही है, उसमें क्या गलत है? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जैसे सरकार ने कहा कि ड्रिंकिंग में पैसे को आप लगाइए, ड्रिंकिंग और सैनिटेशन में और अंटायर टाइड में, तो जनता हम लोगों से सवाल पर पूछती है कि जब अगर रोड नहीं बना है तो आप तालाब क्यों खुदवा रहे हैं। वैसे स्थिति में हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों जो 19 सूत्री मांग है उसमें हमारा है कि जो पेंशनधारी हैं आज दिन में 400 रुपये महीने, उस असहाय व्यक्ति को 400 रुपये में क्या होगा, इसको बढ़ा करके 2,000 से ज़्यादा किए जाए। वार्ड सदस्य को चयनित किया गया, वार्ड सदस्य का एक समिति बनाया गया, लेकिन उनके फंड में 1 रुपये नहीं दिए गए। क्यों? हम मुखिया हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? आपने बोली कि मुखिया लोगों को लूटने का अधिकार दिया है, जब पंचायत को पैसा मिलता है तो वहाँ पर हम मुखिया लोगों का जनता मालिक होता है। हम लोग ग्राम सभा करते हैं और जनता से बताते हैं कि इतना पैसा आया है, बताइए अपने किस मोद में खर्चा होगा, कहाँ खर्चा होगा, तो जनता अपना। सच में ऐसा करते हैं क्या? एकदम करते हैं। आप आइए मेरे पास। जनता आप लोग से नाराज क्यों रहती है? नाराज नहीं है, सरकार से नाराज है। स्ट्रीट लाइट के लिए आप बोल रही हैं, 2 साल हमका मुखिया हुआ, हम लोग जनता से वादा किए थे कि स्ट्रीट लाइट सरकार का योजना है लगेगी। हम लोगों का पैसा बिहार सरकार द्वारा ब्रेक लगा दिया गया है। आज जनता पूछ रही है क्या हुआ मुखिया जी, स्ट्रीट लाइट का लोग बोल रहे थे क्या हुआ, हमें पैसा आ गया है। तो लोग पंचायत के मुखिया ग्राम सभा से ही कोई योजना पारित करते हैं, ग्राम सभा का अधिकार का चिट्ठी द्वारा खंडित कर दिया जा रहा है, इस सरकार में कमी है। आपने जो सवाल किया है तो इसमें विदाउट डंगल किसी का, हम लोगों ने अपना पैसा लगा के काम करते हैं, डोंगल का सिस्टम आ गया है,
सारे मुखिया लोग अपना पैसा लगाते हैं, काम कराते हैं, काम कराने के बाद एमबी होता है, जांच होता है, उसके बाद का पेमेंट होती है, तो इसमें चोरी की कहां से बात आ गई? ये तो अब हुआ है ना, इसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी तो बात है ना, जांच होगा तब पेमेंट होगा। नहीं नहीं, इस पे विरोध नहीं हो रहा, जो हम लोग का अधिकार का कटौती हो रहा है उस पे विरोध हो रहा है। सोलर लाइट अधिकार में आप क्या जानना चाहते हैं? जनता हम तो जनता से चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और सरासरी जनता के अधिकार की वो अधिकारी कटौती हो रही है। जैसे जैसे मैं राशन कार्ड आज के डेट में बनता है तो 2,000-4,000 रुपया लगता है। जब वो राशन कार्ड धारी के पास राशन कार्ड नहीं है, मुखिया जी सत्यापित करके देंगे, क्यों पैसा लगेगा? नीतीश कुमार जी जब चुनाव जीते उस समय 2020 में बोले कि आने के बाद में हम पूरे गांव को सोलर लाइट लगा करके लाइट देंगे। आज चुनाव कुर्सी छोड़ने के नौबत आ गई है उनके पास, आज वो सोलर लाइट नहीं लगाए। उसके बाद में आप एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जनता को 4 बार चक्कर काटना पड़ता है। अगर अपने गांव में उसकी मौत नहीं होती है, अगर वो पटना आ रहा है, सोनपुर में अगर उसकी मौत हो जा रही है तो सोनपुर के पंचायत से उसका बनेगा। तो एक गाँव के गरीब आदमी को परेशान करने के काम काज रहे, इस हक की हम आवाज उठाने आए हैं। अनटाइड और टाइड एक बार और आए थे अपने हक की आवाज उठाने, लेकिन लाठियां चली, लाठी गिरे या हमें फांसी पर चढ़ाया जाए, हमें जनता जैसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाई है वैसे मुझे भी अगर बैठाई है तो हम जनता के लिए फांसी पर भी चढ़ेंगे और लाठी भी खाएंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी अंधी गूंगी बहरी सरकार को कान में तेल डाल करके जो सुनाई पड़वाने वाली बात है, हम सुना करके रहेंगे और हम जनता के हक को आवाज को उठाते रहेंगे। बिहार में तो विकास वाली, बिहार में विकास की सरकार अगर होती तो आज मुखिया जी लोग आए हैं, 11 महीना हो गया, 11 महीने के बीच में क्या किसी पंचायत में मुखिया जी के पास पैसा आया है क्या? क्या छठ इस घाट बन रहा है क्या? क्या पीएम आवास किसी को मिला क्या? 2018 के बाद में पीएम आवास में किसी का अगर आवास का लिस्ट में सूची में, फिर कैसे कहते हैं कि विकास वाली सरकार है, रोजगार वाली सरकार? नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार तो एक ही बात कहते हैं, हम कर ही रहे हैं। अरे सुनिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमेशा हम तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब ये फलानवा आदमी पगलाया है तो हम क्या करें? इस भाषा को समझने में बिहार के लोगों को 17 महीने लग गया। तो पगला नहीं ना गए हैं, उन्हें कहे महीना, हम ही थोड़े पगलाए हैं, उधर सरपंच पगलाया है, इधर डॉक्टर लोग पगलाए हैं, आज पूरा बिहार को पागल, दो पागल बैठ करके और पूरे बिहार को पागल बना, दो पागल, नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव तो युवाओं की सरकार है। हमारी हक की बात नहीं करता है, हम किसी भी मुखिया, कोई भी मुखिया, एक साथ हम लोग इन तीन पार्टियों को RJD BJP जदयू तीनों तो बहिष्कार करने का काम करेंगे। राजभवन